चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस प्रेजेंटेड बाय जनता टीवी पावर्ड बाय पीएनबी किचन में पीएनबी की सुनो हेल्दी चुनो सपोर्टेड बाय यूपीएस लक्ष्मी एलपीएस बोसाड प्रूवन प्रोडक्टिविटी। ओए होए पीएनबी बर्तन क्या बनाए, स्टेनलेस स्टील लेवल है और वो भी ट्राई प्लाई। पीएनबी के स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं ISI सर्टिफाइड और वो भी ट्राई प्लाई, यानी मेटल के तीन लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ताकि बर्तन एक समान गर्म हो, जिससे आपकी कुकिंग हो फास्टर, स्मार्टर, बेटर। पीएनबी की सुनो, हमेशा हेल्थी चुनो। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस प्रेजेंटेड बाय जनता टीवी, पावर्ड बाय पीएनबी किचन मेट्स एंड सपोर्टेड बाय एलपीएस बोजार अब अंबाला से प्रस्थान कर चुकी है। आपका ये सियासी सफर न सिर्फ मुश्किलों भरा रहेगा, साथ ही काफी उबड़ खाबड़ भी रहने वाला है, क्योंकि जिन सवालों का सामना आपको इस सफर में करना होगा वो नीम के पत्तों की तरह कड़वे भी होंगे और साथ ही साथ कई राजनीतिक बवंडरों का सामना भी करना होगा। तो ऐसे में मैं आप सभी को सावधान करना चाहूंगी कि आप अपनी बीपी की टैबलेट और पानी की बोतल अपने साथ रखें, क्योंकि इस दौरान हो सकता है कि आपका बीपी भी अप डाउन हो, और अपने जो सह यात्री है उनका भी खास ख्याल रखें। और जो बोर्डिंग पास हमने आपको दिए हैं, जो इस वक्त आपके हाथों में है, वो बोर्डिंग पास सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में सवारी करने के लिए ही मान्य है। यानी अगर आपको चंडीगढ़ दिल्ली पहुंचना है तो आपको अपने क्षेत्र की जनता से उस पर मोहर लगानी बहुत ही ज्यादा जरूरी होगी। ऐसे में मैं आशा करती हूं कि आपका चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस का ये सफर काफी सुखमय और सुखद होगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस। यानी 2024 में दो जगह जानी है सवारियां, कुछ चंडीगढ़ जाएंगी यानी 90 लोग चंडीगढ़ और 10 लोग अल्टीमेटली दिल्ली पहुंचेंगे। अब ये सफर है, चुनावी सफर है, चुनावी सड़क है, तो जाहिर है कभी कई गड्ढे मिलेंगे, उबड़ खाबड़ सड़कें मिलेंगी, गठबंधन का दौर है, खींचतान होगा, राजनीतिक बवंडर होगा, और उन सबों के बीच इस बोर्डिंग पास पे आपको अपने इलाके के मतदाताओं से मोहर लगवानी होगी, और जिन पे सबसे ज़्यादा मोहर होगी वो चंडीगढ़ या दिल्ली पहुँचेंगे। अब ये सवारियों को उतारते चढ़ाते अब हम पहुँचे हैं अम्बाला, और इस वक्त हम हैं अम्बाला कैंट में। आपको पता है एक गब्बर हुआ करते हैं हरियाणा में, जब मंत्री बने तो आया कि गब्बर इज बैक। मेरे एक साथी ने कहा कि अगर गब्बर इज बैक तो शोले वाले जय और वीरू भी तो होंगे, रामनाथ नाई भी तो होंगे, और वो जेलर भी तो होगा। बहरहाल अम्बाला कैंट में है और आज बोर्डिंग पास लेकर के जो सवारी हमारे साथ हैं इस वक्त वो हैं अनिल विज साहब। बड़े कद के नेता हैं, टकराव की स्थिति रहती है, नीम के पत्ते और करेले का जूस वो लगातार खुद भी पीते रहते हैं। तो स्वागत कीजिए अनिल विज साहब का, बहुत बहुत स्वागत है। आप मंत्री भी हैं, नंबर दो की पोजीशन भी है, हालांकि आपकी दाढ़ी तो कुछ दिल्ली वालों से मिलती जुलती भी है, साइज वाइज भी ठीक है, तो पर मुझे लग रहा है कि मैं गलत बस में बैठ गया, मैंने दिल्ली नहीं जाना। हाँ? मैं तो चंडीगढ़ की सवारी हूँ। तो चंडीगढ़ आपने गलत समझ लिया, इस बस का नाम है चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस। 90 लोग चंडीगढ़ जाएंगे, 10 लोग दिल्ली जाएंगे, तो ये आपने अपनी सरल भाषा में बड़ा अबोध तरीके से जो आपने बताया कि मैं गलत बस में, तो लोग कहीं आपको दिल्ली ढकेलने के फेरे में तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है कि वे साहब को दिल्ली धक्का दिया जाए, चंडीगढ़ का सारा लफड़ा ही खत्म हो जाए,
कहीं ये तो नहीं आपने साफ कर दिया? नहीं, मैंने आपकी नजरें तो तेज हैं, बस पे चंडीगढ़ दिल्ली लिखा है। हाँ, तो मुझको लगा कि मैं चंडीगढ़ की बस में बैठ रहा हूँ, अब आप कह रहे हैं कि ये दिल्ली भी जाएगी, तो मुझको दिल्ली नहीं जाना, मुझको ये आप मुझे बता रहे हैं या कुछ लोगों को बताना चाह रहे हैं कि दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं चंडीगढ़ ही जाऊंगा? मैं इस बस के जो संचालक हैं उनको कह रहा हूँ। अच्छा, मुझे लगा कि आप मेरे माध्यम से किसी और को भी कहना चाह रहे हैं कि भाई मैं चंडीगढ़ वाली सवारी हूँ, दिल्ली मत भेजना, परेशान मत करना, ऐसा तो नहीं है ना? मतलब अंबाला कैंट खाली, मतलब अंबाला सीट खाली हो चुकी है ना? मतलब नहीं, अंबाला से तो मैं लड़ नहीं सकता जी। हाँ वो तो खैर, हाँ नहीं तो अंबाला के आसपास भी कहीं, दिल्ली दूर तो है नहीं। तो ये आपने स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली नहीं जाना है, चंडीगढ़ ही जाना है। चंडीगढ़ जाना, ठीक है। ये आप नंबर दो, जब भी मीडिया में आती है बात आती है नंबर दो, नंबर दो है ना, नंबर एक बनने की इच्छा भी तो अंदर रहती होगी, नंबर एक दो में टकराव की भी स्थिति रहती है। देखिए ऐसा है, मैंने आज तक कुछ भी बनने की इच्छा अपने मन में नहीं रखी आज तक, और मैं तो पहला चुनाव भी संगठन के आदेश पर लड़ा, मेरी लड़ने की बिल्कुल भी मन नहीं था, और मैंने आखिरी समय तक सबको मना किया, लेकिन पार्टी के नेता सारे चाहते थे, वो बाई इलेक्शन था और उस वक़्त इनेलो के साथ गठबंधन टूटा था, तो वो चाहते थे कि मैं लड़ूं, लेकिन मैंने हर कदम पर रिफ्यूज़ किया, मैंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, लेकिन जब संगठन ने आदेश दिया तो फिर मैं चुनाव लड़ा। इसी पार्टी में आपको वनवास भी तो हुआ था? नहीं, हाँ वो वनवास हुआ था 14 साल। हाँ, जैसे रामलल्ला आए हैं ना, मतलब कई सौ साल के बाद जी, जी, तो आप भी तो गए थे ना बाहर, इसी पार्टी ने आपको वनवास दिया था? मैं नहीं गया था। हाँ? 1995 में मुझे पार्टी ने बुलाया और कहा कि आप पार्टी से त्याग पत्र दे दो। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा पहले आपने मेरी नौकरी छुड़वा दी, अब आप कह रहे हो पार्टी छोड़ दो, कल आप कहोगे शहर छोड़ दो, तो मुझे बताया जाए क्या कारण है। उन्होंने कहा कारण नहीं हम बता सकते, पर आप त्याग पत्र दे दो, आप पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता हो, हम आपको कह रहे हैं आप त्याग पत्र दे दो। तो मैंने त्याग पत्र दे दिया। फिर 96 में एक साल बाद विधानसभा के चुनाव आ गए, तो सभी लोगों ने कहा कि आप चुनाव लड़ो। मैंने कहा भी मैं पार्टी के खिलाफ नहीं लड़ना चाहता, लेकिन हमारे एक सीनियर साथी ने कहा कि पार्टी में हम हैं कहाँ, हम तो एक साल से बाहर हैं, अगर पार्टी में रहते हुए पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ो तो वो तो बगावत कहलाती है, हम तो पार्टी में है ही नहीं। तो फिर सारे कार्यकर्ताओं ने डिसाइड किया कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। तो 14 साल आप बाहर रहे? मैं 96 में लड़ा आजाद, जीता। मैं 2000 में लड़ा आजाद, मैं जीता। मैं 2005 में मैं मात्र 562 वोटों से हारा, और 2009 में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बिना मेरी किसी एप्लीकेशन के, बिना मेरी मेंबरशिप के, मेरा अंबाला छावनी से कैंडिडेचर अनाउंस कर दिया। इस सारे दौरान पार्टी मेरे से संपर्क करती रही हर लेवल पर मेरी जिद थी कि मुझे बताया जाए कि मुझे पार्टी से निकाला क्यों है। पार्टी कहती रही आ जाओ। हाँ। मैंने कहा पर पहले मुझे, लेकिन फिर बिना बताए आपको वापस भी ले लिया। ये नंबर एक और नंबर दो आप में और खट्टर साहब में तनातनी का माहौल, क्या सही क्या गलत तो आप जानते होंगे, खट्टर साहब जानते होंगे, लेकिन ये पूरे हरियाणा में इसकी चर्चा रहती है कि आप दोनों के बीच बनता नहीं है। और अभी कोई एक डिपार्टमेंट में कोई मीटिंग को लेकर करके आपने मीटिंग लेनी छोड़ दी, कोई अधिकारी आ गए, आपने MLAs को कहना शुरू कर दिया कि भाई जा करके उधर ही काम कराओ, हेल्थ डिपार्टमेंट की बात है। ये तनातनी का माहौल रहता है नंबर एक दो के बीच में? देखिए ऐसा है, हमारी CM साहब से
गुरन मित्रता है और ये सब खबरें गलत हैं कि हमारी कोई उनके साथ तनातनी रहती है। ये तो विपक्ष का फैलाया हुआ, मतलब बिना आग का, वैसा बिना आग का धुआं, मतलब आग हो ना और धुआं हो जाए, आजकल लोग निकाल देते हैं। स्मॉग की बात मैं नहीं कर रहा, बिना आग की धुआं नहीं 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 अरे खबर तो ये भी है कि कभी आपको कोई केक खिलाने की कोशिश किया बंद कमरे में, आपने कहा जी मैं केक वेक नहीं खाता हूँ, कुछ ऐसी भी बात आ गई थी बीच में, कुछ पुराने अरसे की बात है। नहीं नहीं मैं ऐसा मुझे याद नहीं है कुछ। आपको जो डिपार्टमेंट दिया गया आप उससे खुश हैं, आप काम कर पा रहे हैं पूरी ईमानदारी से? बिल्कुल पूरी ईमानदारी से दोनों। तो आप तो कई महीने तक मीटिंग लेने नहीं गए हेल्थ डिपार्टमेंट में? देखिए काम करते हुए किसी कभी किसी मुद्दे पर मत भिन्न हो जाता है, वो उसका कोई विरोध नहीं उसको कहा जाता। हाँ। उस दौरान भी मेरी मुख्यमंत्री जी से लगातार बात होती रही। हाँ। मतलब आप लोगों के बीच में हो जाए तो वो मन भेद है, कांग्रेस में हो जाए तो सर फुटबल है। नहीं नहीं तो हमारी कहाँ सर फुटबल है, आप बताइए जी। मेरा एक वक्तव्य मुख्यमंत्री जी के या सरकार के खिलाफ आज तक आया हो, मैंने कोई एक काम पार्टी की इच्छा के बिना किया हो, आप बताओ एक भी? मैं तो पार्टी का वफादार सिपाही हूँ, पार्टी के लिए काम करता हूँ, पार्टी के लिए ही आज दिन रात मैं जनता की, हरियाणा की जनता की सेवा करने में लगा हुआ हूँ। कई लोग ये कहते हैं कि वे साहब बात बात पे नाराज हो जाते हैं, इनके लिए कोप भवन का भी इंतजाम रखना चाहिए, पता नहीं कब रूठ जाएं, कब नाराज हो जाएं, क्योंकि आपका अपना एक स्वभाव है, आपका अपना एक काम करने का बड़ा डिसिप्लिन्ड तरीका है, तो वो नाराजगी हो जाती है। देखिए ऐसा है, जिस आदमी को नाराज होना नहीं आता इसका मतलब वो अपनी बात कह नहीं सकता। मैं ठीक के साथ ठीक और गलत के साथ गलत, ये मेरा सिद्धांत है। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। एक गठबंधन है आपकी, पिछले बार आपकी फुल मेजोरिटी आई नहीं, आपकी पार्टी की 40 पर अटक गए, तो एक इंजन जेजेपी नाम का एक इंजन लगाना पड़ा आपको। अब लोकसभा चुनाव है, ये आप सब लोग कहते हैं कि जो गठबंधन है वो सरकार, एक स्थायी सरकार के लिए गठबंधन है। 2024 में आप क्या देखते हैं, गठबंधन में बीजेपी को जाना चाहिए या बीजेपी इतनी मजबूत है? मुझे याद है जब हजका के साथ आपका गठबंधन था और स्वर्गीय सुषमा स्वराज कुलदीप बिश्नोई के यहाँ गई थी और वो गठबंधन हुआ था, लंगड़ा घोड़ा कहने वाले सबसे पहले आप ही थे और उस गठबंधन की लंका लगाने वाले भी सबसे पहले आप ही आए थे कि वो ये हुआ। काम मैंने ही किया था जी और मेरे उस करने से ही प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। तो मैं आज भी दावे से कहता हूँ, अगर मैं वो काम ना करता तो हमारी सरकार कभी भी इंडिपेंडेंट सरकार हरियाणा में आ नहीं सकती थी। वो अकेला मैं था जो कह रहा था कि हमें अकेले लड़ना चाहिए, हमें गठबंधन में नहीं जाना चाहिए। और आप ठीक कह रहे हो, लंगड़ा घोड़े वाली बात भी मैंने कही थी, वो मुझे सब याद रहता है और पूरा रिसर्च करके बैठता हूँ। अब इस बार भी गठबंधन है, हालांकि गठबंधन तो पोस्ट इलेक्शन था, तो इस बार अनिल विज साहब का क्या है मन? ये तो ठीक है कि हाईकमान जो फैसला करेगा करेगा, लेकिन इस बार आपको क्या लगता है? नहीं वही ठीक है, हाईकमान जो करेगा, क्योंकि ये गठबंधन भी हाईकमान के स्तर पर ही हुआ था। हाँ। और उन्होंने तो वो वाला गठबंधन भी तो हाईकमान, तब सुषमा स्वराज और वो लोग आई थी, तब आपने तो लंगड़ा घोड़ा कह दिया था। तब देखिए हमें जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने हमें बुलाया था। हाँ। और हमें सारों को सुना था। हाँ। तो वहां पर मैंने अपनी बात कह दी थी। हाँ। तो बात कह दी तो वही फिर मंजूर हो गया कि अकेले लड़ो। हाँ। तो अगर तो इस बार भी तो बुलाया था? नहीं किसी ने नहीं बुलाया, अभी नहीं बुलाया, आपको नहीं बुलाया लोग, विप्लव देव के यहाँ जाकर के आपको छोड़ के बाकी सब लोग मिल करके बता रहे थे कि जी अकेले लड़ना चाहिए। अब पता नहीं कौन क्या करता है, मैं तो दिन रात काम करता हूँ, मुझे और कुछ नहीं पता। मतलब अपना काम करते हैं दूसरे का भी काम कर देते हैं ना आप कई बार? शेर बूढ़ा हो गया क्या?
शेर बूढ़ा होके भी शेर ही रहता है। मतलब इस बार गठबंधन में लड़ेंगे तो फिर कैसे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी? मेरे मैंने कोई इस पर मेरा मत नहीं है, और जैसा पार्टी डिसाइड करेगी वैसा करेगी। मतलब अकेले लड़ना चाहिए या गठबंधन में लड़ना चाहिए? नहीं नहीं, मैंने आपको बताया कि जो बेहतर कौन रहेगा, जैसा पार्टी डिसाइड करेगी। जब वो मेरे से पूछेंगे तो मैं अपनी राय बताऊंगा। मतलब मैं पूछ रहा हूँ ना आपकी राय। नहीं, मैं मेरी कोई राय नहीं है अभी। फुले में कोई राय नहीं है। पिछले बार उछल उछल के आप लंगड़ा घोड़ा तबाह कर दिया था आपने कुलदीप बिश्नोई को। आजकल वो फिर आ गए आपकी पार्टी में? हाँ जी, आ गए, उनका स्वागत किया मैंने। हाँ, मतलब लंगड़े घोड़ों का भी मतलब पैर वैर ठीक हो गया उस घोड़े का? या नहीं, नहीं, आपके आने के बाद बीजेपी वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद तो लंगड़ा लुल्ला सब ठीक ही हो जाता है? नहीं नहीं, अब उनका रोल डिफरेंट है, तब उनका रोल डिफरेंट था। वे साहब, आप आज जो है ना दब दब कर बोल रहे हैं। एक तो आपको मुझे देखना पड़ रहा है कि किस बात पे मुस्कुरा रहे हैं, किस पे आप वो दाढ़ी इतनी बढ़ गई है मूछे वूछे की पता नहीं चल पाता, बड़ा गौर करना पड़ता है। तो मतलब गठबंधन पे आप कुछ नहीं बोलेंगे? टाइट लिप्ट? नहीं, देखिए हमारे लेवल पर नहीं हुआ ना कोई, हमारे लेवल पर डिस्कशन हुआ। अगर कोई डिस्कशन होगा तो जो मेरी असेसमेंट है वो मैं बताऊंगा। जेजेपी के पास जितने महकमे हैं वो सब अच्छे का अच्छा काम हो रहा है उसमें? इसका आंकलन जनता ने कर रहा है, हम नहीं कर सकते। ये जो आप कह रहे हैं ना ये सब बात, अनिल विज को जाना जाता है एकदम खरा खोटा कहने के लिए, तो इसका मतलब पब्लिक समझ रही है जो आप कह रहे हैं? बिटवीन द लाइंस आजकल पब्लिक भी पढ़ती है। मैं अपने काम की खुद ही सराहना करूं, हाँ, वो भी ठीक बात नहीं है। नहीं, मैं आपकी तो पूछ ही नहीं रहा हूं, मैं आपके वाली आकलन, हाँ, जो है, हाँ, वो जनता करेगी। हाँ, तो जेजेपी राजनीति में, हाँ, ये जितने भी वक्तव्य दिए जाते हैं, हाँ, नेशनल कह लो चाहे डोमेस्टिक कह लो जो भी है, उनका जवाब जनता देती है। प्रजातंत्र की यही तो खूबसूरती है। तो मतलब जेजेपी के पास जो डिपार्टमेंट है उसके काम काज पे आप कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं? एक हम जब लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, आप भी पढ़ते ही थे, तो मास्टर साहब कहते थे कि अगर सवाल कड़वे हो तो उसको छोड़ देना चाहिए, तो ये सब छोड़ सकते हैं आप? मैं तो जवाब दिया आपको कि जनता तय करेगी। हाँ, जनता ही करती है। ठीक है, ये ऑपोजिशन के लोग कहते हैं कि अनिल विज अपने आप को गब्बर कहते हैं, तो अनिल विज साहब को दो तीन आपके मित्र उन्होंने कहा कि भाई बहुत दिनों से सुन रहा हूँ गब्बर गब्बर, तो अनिल विज साहब को बोलिएगा कि शोले फिल्म दोबारा देखें। गब्बर एक निगेटिव कैरेक्टर था और उसका काम खात्मा करने जय और वीरू आया था, इस बार जय और वीरू कांग्रेस में आ गए हैं। देखिए, मैंने कभी अपने आप को गब्बर नहीं कहा। जो साथी कहते हैं वो अज्ञानी है। मैं तो अनिल विज था, अनिल विज हूँ और अनिल विज ही रहूंगा। नहीं नहीं, कई बार होता था ना, आपके ट्वीट में भी है गब्बर। नहीं, अब लोग मुझे क्या कहें, हाँ, मुझे उससे कुछ नहीं लेना। हाँ, मुझे कई और नामों से भी बुलाते हैं लोग, मुझे कुछ नहीं लेना, पर मैं जो जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि मैं अनिल विज हूँ। ठीक है, ऑपोजिशन के लोग बे इंतहा इश्क तो जानते हैं, हर तरफ है, वो कहते हैं अनिल विज साहब का डिपार्टमेंट हेल्थ में सुधार हो ना हो, अम्बाला कैंट में भले ही थोड़ी बहुत सुधार हो गई हो, पूरे हरियाणा में घूम के देख लीजिए, उसकी चिंता नहीं रहती है, लेकिन सुबह सुबह उठ करके वो राहुल गांधी को याद करेंगे। वो होम मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर कम है, ट्विटर मिनिस्टर ज्यादा है। वो अपना ट्वीट कर देंगे, कुछ फेसबुक पे लिख देंगे, उनको एक बवंडर क्रिएट करना है। आप बताइए, मेरे स्वास्थ्य विभाग ने कोविड जैसी बीमारी को सफलतापूर्वक हमने लड़ा, हमने अपने अस्पतालों की स्थिति सुधारने में बेहद काम किया। हमने जब मैं स्वास्थ्य मंत्री बना था तो स्वास्थ्य का बजट था 1694 करोड़, आज है 9600 करोड़। तो हमने काम बढ़ाया ना, हमारी ओपीडी बढ़ी है, हमारी आईपीडी बढ़ी है, IMR MMR रेशो ठीक हुई है। हमने अस्पतालों में सीटी स्कैन MRI लगा रहे हैं, एक्सरे की मशीन भी नहीं होती थी।
मैंने कैथ लैब लगाई, 4 जगह पर है, बाकी जगह भी हम लगाने जा रहे हैं। अगर आप अम्बाला का ही करें तो 14,000 स्टंट हमने डाले 4 साल में, यानी 14,000 जिंदगी हमने बचाई हैं। ऐसे ही बाकी सेंटरों का भी होगा, उनका मुझे डाटा नहीं पता है, लेकिन बाकी सेंटरों का भी होगा। और जितनी टूटी फूटी पीएससीज हैं, 162 पीएससीज को गिराकर उनको नए बनाने का हमने काम शुरू कर दिया। डिपार्टमेंट को पैसे दे दिए, डिपार्टमेंट उनको बना रहा है। हर पीएससी लेवल तक ईसीजी की व्यवस्था हो, उसके टेंडर फ्लोट होने जा रहे हैं। हर पीएससी तक एक्सरे की व्यवस्था हो, उसके टेंडर फ्लोट होने जा रहे हैं। कैसे कह सकते हैं? तो ऑपोजिशन के लोग कहते हैं कि अनिल भी साहब जब बीमार पड़ते हैं, अगर हॉस्पिटल इतना अच्छा बना दिया तो आप हरियाणा सरकार वाले हॉस्पिटल में एडमिट हो, भगवान न करे कि कभी आप बीमार पड़े। नहीं, मैं फिर लेकिन आपको कह रहा हूँ कि वो लोग अज्ञानी हैं। मुझे जब कोविड हुआ, मैं अपने शहर के सिविल अस्पताल में एडमिट हुआ था। एक सप्ताह में यहाँ रहा। जब मेरी स्थिति ज्यादा खराब हो गई तो इन्होंने कहा गो टू सम हायर इंस्टीट्यूट। तो मैं किसी भी, मैं चाहता कहीं भी जा सकता था, मेदांता या दूसरे जो अस्पताल में, कहीं भी जा सकता था। आई ऑप्टेड पीजीआई यूनिवर्सिटी, जो कि हमारे हरियाणा सरकार की। जब वहाँ भी मेरी बहुत ज़्यादा मुझे कोविड था, मेरी सीटी वैल्यू 24 हो गई थी और मुझे कहा गया कि बचने का भी 1% चांस नहीं है, तब मुझे मेदांता में भर्ती कराया गया। मैं पहले दिन से ही जा सकता था, मुझे कौन रोकता है? अनिल विज को जानो, अनिल विज को जानते तो है नहीं, ये घर बैठ के बोलते हैं, इनको दीन दुनिया का पता तो है नहीं। ये होम भी आपके पास है, सीआईडी को लेकर के, ब्रीफिंग को लेकर के बड़ा लफड़ा हो गया, अब स्थिति सामान्य है, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है? लफड़ा नहीं हुआ वो देखिए, जब डिपार्टमेंट अलॉट हुए थे तो जो नोटिफिकेशन हुई थी, आप कभी देखें उसको, उसमें सीआईडी मेरे नाम के साथ अटैच हुई थी, लेकिन बाद में सीएम साहब चाहते थे कि सीआईडी सीएम के पास होनी चाहिए, तो वो दोबारा नोटिफिकेशन हुई और वो सीएम साहब के पास चली गई, कोई लफड़ा नहीं। जब मेरे पास था तब तो मैंने ही काम लेना था, मैं मेरे जो टफ क्वेश्चन थे उनके वो जवाब देने में उनको दिक्कत होती थी, तो वो तो कोई लफड़ा नहीं था। आप होम लॉ एंड ऑर्डर से संतुष्ट हैं हरियाणा के? आपके ही जब आप मिनिस्टर हैं, मेवात की इतनी बड़ी घटना घटी, डीएसपी मारे गए, है ना, ये लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो हालात हैं, मेवात में घटना घटी और भी दूसरी जगह घटनाएं घटी, उसको लेकर आप संतुष्ट हैं? हमने 24 घंटे में मेवात में स्थिति अपने नियंत्रण में कर ली, मेरी फोर्स सब तरफ से, जैसे हमें पता लगा कि भाई वहां इस प्रकार का हो गया, सब तरफ से हमने फोर्स भेजी, हमने केंद्र से कंपनियां मंगवा के वो वहां पर लगाई और तुरंत स्थिति 24 घंटे के अंदर अंदर हमने स्थिति को कंट्रोल किया। एक मसला है जो आपसे जुड़ा रहता है, ऑपोजिशन के लोग कहते हैं कि राहुल गांधी प्रेम कुछ आपको ज्यादा है, सोनिया गांधी प्रेम ज्यादा है। सुबह सुबह उठने के बाद जय श्री राम करने के पहले अनिल वी साहब एक बार राहुल गांधी का नाम लेते हैं, एक बार सोनिया गांधी का नाम लेते हैं, कहते हैं कि जब तक एक आध बार नाम नहीं ले लें तब तक हाजमा ठीक नहीं रहता है अनिल वी साहब का। वो हेल्थ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर कम, ट्विटर मिनिस्टर और राहुल कंसर्न, सोनिया कंसर्न मिनिस्टर ज्यादा है। राहुल गांधी जी बयान ही इतने जबरदस्त देते हैं कि चुप रहा ही नहीं जाता। अब वो कहते हैं कि स्टोव में कोयले डाल के चाय बनाते हो, तो जब वो ऐसा बयान देंगे तो फिर बोलना तो पड़ेगा ना जी, उनको बताना तो पड़ेगा ना कि स्टोव में कोयले नहीं डलते, स्टोव में मिट्टी का तेल डलता। लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल पे है ना ट्विटर प्रेम या मीडिया प्रेम या सोशल मीडिया आजकल आ गया, आपने तो आजकल अपना ही चैनल खोल लिया है, धंधा हम लोगों का भी बंद करेंगे आप, तो ये उस पे ज्यादा ध्यान रहता है, अपने डिपार्टमेंट पे कम रहता है? नहीं नहीं नहीं, उसमें क्या है, उसमें कितने मिनट लगते हैं कोई बात कहने को और जो कोई उसको। और आपको मैं एक बात बताऊं, इस 10 साल में मैंने शायद ही 1 या 2 कोई डिपार्टमेंटल प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की हो, लेकिन मैंने कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है,
लेकिन यदा कदा आते जाते अगर कोई मेरा प्रतिक्रिया मांगता है, मेरा बयान पूछता है, तो मैं बोलता हूँ। एक इंडी गठबंधन बना, हुडा साहब हैं, जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी और अब तो जेजेपी गठबंधन है इतनी ज़्यादा है कि कांग्रेस का आना स्वाभाविक है, खुद ब खुद कांग्रेस आएगी और लोगों का आकर्षण कांग्रेस की तरफ बढ़ा है और बीजेपी और दूसरे लोगों के प्रति विकर्षण यानी आकर्षण घटा है, एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। इंडी की तो बन गई है भिंडी, कोई भी तल के खा जाएगा उसको। नीतीश कुमार छोड़ के एनडीए में आ गए पंजाब में। ये नीतीश कुमार वही है ना जिनके बारे में कहते थे कि इस जन्म में आना भी चाहेंगे तो बीजेपी में रास्ता बंद है और नीतीश बाबू सुन लीजिए लल, ये वही वाले नीतीश कुमार है ना? नहीं नहीं, कोई भी हो ना, वही वाले, कोई भी हो जी। पंजाब में आम आदमी पार्टी कह रही हम कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देंगे, दिल्ली में आम आदमी पार्टी कह रही कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देंगे, और यूपी में नीतीश कुमार ने बिना कांग्रेस के कंसल्ट किए अपने कैंडिडेट डिक्लेयर करने शुरू कर दिए, अखिलेश ने। हाँ। तो किस बात की इंडी, ये तो खत्म होगी पूरी तरह से। और हुड्डा साहब इनकम्बेंसी की बात करते हैं, पहले अपना ईडीसी से अपना क्लीन चिट लेकर आए, अभी तो वो भुगत रहे हैं, अभी तो कल 8 घंटे उनकी दंडक बैठक निकाली है ईडीसी ने। पहले कोई हरियाणा प्रदेश की जनता इतनी नासमझ नहीं है कि जिसके ऊपर आरोप हो उसको वो आगे कर दे, पहले अपने पुराने पापों को तो क्लीन चिट लेके आए। तो जो बीजेपी का विरोध करेगा उसके यहाँ ईडी चली जाएगी, ऑपोजिशन के लोग यही कहते हैं। शैलजा जी कह रही थी कि ईडी तो एक मशीन हो गया, जो विरोध करे खतरा हो बीजेपी के लिए उसके यहाँ ईडी भेज दीजिए। कांग्रेस का अरविंद केजरीवाल यही कहते हैं, कांग्रेस का तो एक धर्म हो गया कि जब चुनाव हार जाओ तो कह दो मशीन खराब थी। अब कल वहां पे चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हार गए तो कहते वोटे गलत डाल दी। अरे तुम्हारे मेंबरों को अगर वोटे डालने नहीं आती तो उनको वोटे मांगने का अधिकार कहाँ है? अगर तुम्हारे मेंबरों ने ही वोटे गलत डाली है ना, तुम्हारे मेंबरों ने वोटे गलत डाली हैं और तुम्हारा कैंडिडेट हार गया तो तुम्हें वोट मांगने का क्या अधिकार है? आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहेंगे आप? दिल्ली में भी उनको बहुत हल्के में लिया, पंजाब में भी बहुत हल्के में लिया, दोनों जगह सरकार बन गई। ऐसा है उनका दी एंड हो चुका है। अभी ये जो 5 स्टेटों के चुनाव हुए थे उनकी जितनी जमानत जब्त हुई है अब वो आम आदमी पार्टी से जमानत जब्त पार्टी बन गई है। अब कहीं चले जाएं इनकी जमानत ही जब्त होगी। आपको लगता नहीं है कि थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए आम आदमी पार्टी को? नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल भी। हरियाणा में 2024 में क्या देखते हैं, उसके बाद हम जरा आ जाएंगे अंबाला में और दर्शकों को बता दें कि इस वक्त हम उस जगह से गुजर रहे हैं जहां से दशकों से अनिल वीर साहब सुबह आके यहीं बैठ करके चाय पीते हैं। अब सूरत बदल गई है इसके वक्त के साथ साथ। तो ये जो 2024 है ना, दो चुनाव होने हैं मुख्यतः, दिल्ली के लिए पहले और फिर उसके बाद चंडीगढ़ के लिए, आप क्या स्वरूप देखते हैं? देखिए लोकसभा की 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे मतलब कमल। हाँ मतलब कि हम जीतेंगे। हम मतलब क्या? मैं जो हूँ मतलब हम। मैं क्या हूँ? मैं कमल हूँ, मैं चाबी हूँ, मैं ताला हूँ। हाँ जी, हाँ जी, मैं क्या हूँ? मैं अभी अभी देखिए चीजें सारी वो हो रही हैं। मैं कह रहा हूँ कि हम जीतेंगे। हाँ। हमारे लोग जीतेंगे और विधानसभा में बीजेपी के अब नेताओं का स्टेटमेंट बदलने लगा है। पहले 10 की 10 सीटों पे कमल का फूल खिलेगा, अब मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3-4 दिनों से ये हम जीतेंगे मतलब मोदी जी जीतेंगे ये वाला स्टेटमेंट आ गया। अब लोग 10 की 10 पे कमल खिलेंगे ये कहने से कतराने लगे हैं। नहीं नहीं, कमल ही खिलेंगे, कमल ही खिलेंगे, कमल खिलेगा 10 की 10 सीटों के ऊपर। हाँ। और विधानसभा में जितनी सीटें हम पहले लोकसभा क्लेरिफाई जो हम कह रहे थे वो हम 10 के 10 कमल के फूल हैं। हाँ हम हैं
हम आपको पता है मैं पीछा छोड़ता नहीं हूँ। अरे आप ही को समझ रहा हूँ, तो आपको मैं क्या समझूं? आपकी ये जो दाढ़ी है, चेहरा है, इसको कमल का फूल समझूं या यहाँ लटकी हुई चाबी समझूं, क्या समझूं? हमको वही समझो जिससे आप प्रश्न पूछ रहे हो। आप जिससे मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, कमल छाप पे चुनाव जीतने वाले अनिल विज से, हाँ जी, हाँ जी, तो वो कमल हुए। हाँ तो मैं हम कह रहा हूँ, तो हम मतलब कमल मर्जी लगा ना, ना मैं इतना अकलमंद आप मुझे मत समझिए। हाँ मैं बड़ा ही औसत दर्जे का अकलमंद आदमी हूँ, बहुत मतलब मंद बुद्धि नहीं हूँ, औसत दर्जे का। मुझे समझ में नहीं आती है कई बार बातें, फिर बात का बवंडर हो जाता है, इसलिए मैं साफ साफ पूछ लेता हूँ, हम का मतलब कमल है या उसमें एक आध चाबी भी है? देखिए अब इसका इस समय पर मैं चलिए हम ही रहने देते हैं, आपको काहे को ज्यादा कष्ट में डालें, हम ही रहने देते हैं। हम पब्लिक समझेगी हम का मतलब क्या होता है। हम का मतलब अब बदले हुए सिनेरियो में एक आध दो चाबी भी आ सकती है, अब ये समझ लेना चाहिए अगर अनिल विज साहब खुल करके, वरना जो आदमी कुलदीप बिश्नोई को लंगड़ा बना दे वो आदमी इतना सहम सहम के अगर बोल रहा है तो इसका मतलब है कि दाढ़ी में एक आध दो चाबी फंसी पड़ी है। बहरहाल विधानसभा चुनाव में हमारी पहले से बहुत ज्यादा सीटें आएंगी। आज देखिए एक चीज है जो लोगों को समझ आ गई कि काम करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और कोई पार्टी नहीं है। इसीलिए बार बार लोग नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे हैं, और किसी पार्टी के पास काम करने की सूझबूझ नहीं है। विकास की राजनीति अगर किसी ने शुरू की है तो आके भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है, नरेंद्र मोदी ने शुरू की है, और आज सारा देश उनकी नीति को नमस्कार करता है। लोकसभा चुनाव में तो चलिए केंद्रीय सेंट्रल लीडरशिप तय करेगी कि गठबंधन है नहीं है, चूंकि उसका राष्ट्रीय स्तर पर उसका असर पड़ता है। विधानसभा चुनाव में अपने बूते लड़ना चाहिए? देखिए आप, मैं ये जवाब देने के लिए मैं कोई ज्यादा परेशान तो नहीं कर रहा हूँ, आप अगर ज्यादा परेशान करूँ तो बता दीजिएगा। सचिन जी आप थोड़ा आज ज्यादा मूड में हैं, आज ज्यादा परेशान कर रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ, मैं सक्षम नहीं हूँ। ठीक है, तो मतलब आप उस पर अभी अब लोकसभा क्या होगा, विधानसभा क्या होगा, नहीं, अभी कुछ पता नहीं है। हाँ सिर्फ हम है ना, हम जो भी जीतेगा उसमें हम होंगे। अरे वो तो सर पड़ोसी का भी जीते वो हम ही हो जाता है। नहीं, आप नहीं, बिहार नहीं। देख लीजिए, चंडीगढ़ का मेयर चुनाव, मतलब जीते कोई सरकार हम नीतीश कुमार बना ले, ममता बनर्जी बना ले, मतलब बराक ओबामा बना ले, सरकार हम है ना। सरकार बनाने का तो काम आप ही का है सर, मतलब नीतीश कुमार से लेकर के चंडीगढ़ ताजा उदाहरण है। चलिए हम आ जाते हैं अंबाला कैंट, जहां पर आप लगातार काम करते रहे हैं और अंबाला से चुने जाते हैं तभी आप नंबर एक हो जाएं, दो हो जाएं, जो भी हो जाएं। पहले जब मैं आपसे बात करता था तो आप ये कहते थे कि ऑपोजिशन में हूं है ना, और सरकार कांग्रेस की है। अब 10 साल हो गए आपको सरकार में और 10 साल से आप मंत्री हैं, मतलब 10 साल हो ही जाएंगे। अब आपको लगता है कि जो कल्पना आपने की थी या जो आपने सोचा था कि हम ये कुछ कर लेंगे, ये आप कर पाए हैं? और आप अपने आप को कितना नंबर देते हैं? मैं अपने आप को 10 में से 10 नंबर देता हूं। मतलब और मैंने माला छावनी में जो विकास के काम मैंने किए आज से पहले किसी नेता ने उसका 10% भी नहीं किया। सरकारी कॉलेज मैंने बना के दिया, बस स्टैंड मैंने बना के दिया, हमारी धरती में पानी खत्म हो गया था, नहरी पानी 18 किलोमीटर दूर से मैंने ला के दिया ताकि लोगों को पानी का इंतजाम किया जा सके। अंबाला सब डिवीज़न नहीं था, मैंने सब डिवीज़न बना कर दिया, और ये देखिए ये सेक्रेटेरिएट बना के दिया जिसमें सरकार के 30 अधिकारी एक ही दफ्तर में बैठते हैं। मैंने खिलाड़ियों के लिए मैंने फीफा अप्रूव्ड फुटबॉल स्टेडियम बना कर दिया, मैंने ऑल वेदर स्विमिंग पूल बना के दिया, मैंने जिम्नास्टिक हॉल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना के दिया, मैंने
बैडमिंटन हॉल बना के दिया, मैंने अनेकों योगशालाएं बना के दी ताकि लोग यहाँ योग करें। 1857 की लड़ाई अंबाला छावनी से शुरू हुई थी। मैं 20 साल से लड़ रहा था, क्योंकि कांग्रेस ने तो हमेशा हमें यह पढ़ाया कि जाति की लड़ाई हमने लड़ी है और हम भी वही समझते रहे। लेकिन कांग्रेस का जन्म तो 1885 में हुआ था, एक अंग्रेज A.O. ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी बनाई थी। कांग्रेस के जन्म से भी 28 साल पहले 1857 में 10 मई को प्रातः 9 बजे 61 नेटिव इन्फेंट्री ने हथियार उठाकर आंदोलन का ऐलान कर दिया था, आजादी की पहली लड़ाई का ऐलान कर दिया था, और वो सारे हिंदुस्तान में फैली। झांसी की रानी लड़ी, तांजे टोपे लड़े, लेकिन इन अनसंग हीरोज को कभी बताया नहीं गया, कभी इनको याद नहीं किया गया। तो मैं चाहता था कि उनके लिए स्मारक बना के दूं। मैं चाहूंगा आप जाते हुए उसको देख के जाओ। 500 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वो बनाकर दे रहा हूँ। अनाज मंडी मैंने बनवा कर दी है, साइंस म्यूजियम मैं बनवा कर दे रहा हूँ। सेलोस्ताल के आगे से आप निकल के आए हो, सेलोस्ताल मैंने पहले उसकी ओपीडी जो थी वो 250 से 300 तक की थी, आज उसकी 3000 ओपीडी है, हर सुविधा उसमें मुहैया कराई है। मैंने कैंसर का अस्पताल उसमें बना के दिया है। मैंने अम्बाला छावनी के लिए एयरपोर्ट मंजूर करा के दिया, उसका काम चल रहा है, जो उसका काम हो रहा है। मैंने सारे नाले सीसी से बना के दिए, मैंने टांगरी के बंदे पर सड़क बना कर दी, मैंने यहाँ पर होम्योपैथिक कॉलेज मंजूर करा के दिया जो कि बन रहा है। मेरे कामों की सूची बहुत लंबी है। चलिए, अम्बाला छावनी में गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी, मैंने मल्टी लेवल कार पार्किंग बना के दिए। तो मतलब अब आगे वाले के लिए कुछ रह नहीं गया? नहीं नहीं, बस तो कभी नहीं कह सकते, बहुत काम है ongoing process। अभी 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 हम भी बहुत प्रोजेक्टों पर काम कर रहे हैं, लेकिन हम दूसरों की तरह पत्थर लगा के नहीं चले जाते हैं। हमारे यहाँ तो पुरानी पार्टियों के मुख्यमंत्री आते थे, पत्थर लगा के चले जाते थे, हमें तो हमेशा पत्थर ही मिले, हमें काम तो किसी ने करके नहीं दिया, काम मैंने करके। ठीक है, एक सवाल ये कि बीजेपी में आजकल बहुत चर्चा रहती है वो 75 पार वाला, कि जो 75 प्लस वाले हैं उनको रिटायर, मतलब अब क्या सच है नहीं है मुझे नहीं पता है, ये चर्चाएं बड़ी आम रहती हैं, ये आपके मन में कभी ये सवाल आता है? 75 साल उम्र या 70 साल उम्र आप हैं, रामबिलास जी हैं, ज्ञानचंद गुप्ता जी, कई लोग हैं उस श्रेणी में। मैं कभी 75 हुआ ही नहीं, मैं क्यों सोचूं। आप कितने के हैं? अभी आप 75 हुए नहीं है, नहीं। वैसे देखने में तो आप 35-45 के ही लगते हैं। उतना ही जी, दिल तो अभी 25-30 वाला ही है। हाँ जी, हाँ जी। तो उस कैटेगरी में अभी आप नहीं आते हैं, क्योंकि कई बार सोशल मीडिया में आपका भी नाम चलता है। ये पार्टी में ऐसा कुछ चल रहा है क्या कि 70 प्लस या 75 प्लस वालों पे? पार्टी की नीति है, पार्टी की नीति है कि उसमें तो उसमें से अभी आप उस क्राइटेरिया में, उस लाल डोरे में आप नहीं आ रहे हैं अभी। मैंने आपको पहले कहा कि मैं तो चंडीगढ़ जाना है। आपको चंडीगढ़ जाना है, ये दिल्ली वालों के लिए है, ये 75 दिल्ली वालों के लिए, सभी के लिए है। हाँ। पर मैं तो अभी 75 के उसमें नहीं आया। आप नहीं आते हैं और जाना आपको चंडीगढ़ है। हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, सुखी रखे, बुलंद रखे, और दिल जो है 25 की बाद अगली बार 20 का हो जाए, यूं ही आप जवान रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये अनिल विज साहब हैं, और शेर बूढ़ा हो गया मैंने कहा तो अनिल विज साहब कह रहे हैं कि बूढ़ा शेर भी शेर ही होता है। बहरहाल कई सारे मसले हैं, अनिल विज साहब लगातार सुर्खियों में रहते हैं, कई कारणों से रहते हैं, कई बार थोड़ा जल्दी जल्दी रूठ जाते हैं, इनको मनाना पड़ता है, लेकिन यही इनका अपना अंदाज है। बहरहाल बोर्डिंग पास हमने दिया है इस एक्सप्रेस में, यानी चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस, और अनिल विज साहब को आप ऐसा वैसा मत समझिए, वो अपनी बात कह जाते हैं। वो बैठते ही कहा कि
चंडीगढ़ दिल्ली, मुझे दिल्ली नहीं जाना है, मुझे चंडीगढ़ जाना है। अब यह सोशल मीडिया में बहुत खबर है कि कुछ लोग इनको दिल्ली भी भेजना चाहता है, इनकी पार्टी के ही कुछ लोग चाहते हैं कि ये दिल्ली जाए चंडीगढ़ का पीछा छोड़ें, तो इन्होंने कह दिया भाई दिल्ली नहीं चंडीगढ़ का, क्या चंडीगढ़ वाली सवारी हूँ मैं। बहरहाल चंडीगढ़ कौन जाएगा ये तो उस इलाके के मतदाता तय करेंगे, और हम और आप यानी जो मतदाता हैं, लोकतंत्र में हमारी जिम्मेदारी और जवाबदेही सबसे ज़्यादा है। हम जैसा प्रतिनिधि चुनेंगे हमें सरकार भी वैसी ही मिलेगी। कई बार हम अपने ही फैसले पर खुद को ही कोसते हैं शायद ये सही ना हो, और लोकतंत्र उस दिन मजबूत हो जाएगा जिस दिन इसके असली मालिक यानी मतदाता मजबूत हो जाएंगे। बहरहाल ये बस जो है अगला पड़ाव यमुनानगर है, यमुनानगर में सवारी बैठेगी और देखते हैं कि वहाँ पे हलचल क्या है। और यमुनानगर आजकल बहुत विवाद में है, और ख़ास करके माइनिंग माफिया को लेकर के यमुनानगर समेत कुछ इलाके बहुत चर्चा में हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, सवारियाँ चढ़ती रहेंगी उतरती रहेंगी, हम चंडीगढ़ और दिल्ली चलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस प्रेजेंटेड बाय जनता टीवी, पावर्ड बाय पीएनबी किचन में पीएनबी की सुनो हेल्दी चुनो, सपोर्टेड बाय यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसार्ड, प्रूवन प्रोडक्टिविटी। ओए होए पीएनबी, बर्तन क्या बनाए, स्टेनलेस स्टील लेवल है और वो भी ट्राई प्लाई। पीएनबी के स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं ISI सर्टिफाइड और वो भी ट्राई प्लाई, यानी मेटल के तीन लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ताकि बर्तन एक समान गर्म हो, जिससे आपकी कुकिंग हो फास्टर, स्मार्टर, बेटर। पीएनबी की सुनो हमेशा हेल्थी चुनो।